हाय गाइस, आशीष है। जैसा कि आपको पता है कि आज गणेश चतुर्थी है, तो सबसे पहले विशिंग यू ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। मे लॉर्ड गणेश शावर ऑल हिज ब्लेसिंग ऑन यू गाइस। और करीब 3 साल बाद इस फेस्टिवल का ग्रैंड स्केल पे सेलिब्रेशन हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि 2020 में या 21 में फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं हुआ, बट उस ग्रैंड स्केल पे जिसके लिए हम महाराष्ट्र को जानते हैं, तो वैसे नहीं हो पा रहा था। बट थैंकफुली इस साल वी हैव गॉट ऑल दी परमिशंस, एवरीथिंग इज सेट, और इस साल हम लोग वी आर बैक टू सेलिब्रेटिंग इट ऑन दैट ग्रैंड स्केल दैट गणेश चतुर्थी इज फेमस फॉर। से ग्रैंड स्केल से याद आया, डू यू नो 1893 में लोकमान्य तिलक वॉज द गाय हु यू नो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल ऑन दिस लार्ज स्केल। ही स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस पब्लिकली। ऐसा नहीं कि उसके पहले सेलिब्रेट नहीं होता था, बट लोग अपने घरों में सेलिब्रेट करते थे मोस्टली। तो फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम था, लोगों को साथ में लाना था, तो व्हाट बेटर देन गणेश चतुर्थी। तो लोकमान्य तिलक ने ये काम किया, लोग साथ आए, बहुत सारे आइडियाज डिस्कस हुए, लोग मिलते थे तो लोग प्रोटेस्ट करते थे। वैसे लोकमान्य तिलक को भी अपोजिशन झेलना पड़ा था कुछ इंडियंस से और ब्रिटिशर्स से भी, बट इन दी एंड ही वॉज सक्सेसफुल। एंड आई थिंक इट वॉज वन ऑफ दी मैनी रीजन्स वी एंड यू आर यू नो आज़ाद टुडे। सो तो जैसे हाँ, वो तो हो गया। चलो, ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है? वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि आज गणेश चतुर्थी है, तो वाई नॉट, लाइक गणेश चतुर्थी से अच्छा दिन नहीं हो सकता कोई वीडियो अपलोड करने के लिए। सो या आज 31 अगस्त है, 27 अगस्त को चिंच पोकली साथ चिंतामणि का आगमन था। अब आप पूछेंगे, अगर आप महाराष्ट्र में या मुंबई में रहते हैं तो यू विल बी नोइंग हु इज चिंच पोकली या चिंतामणि, बट इफ़ यू डोंट नो यू विल गेट सम क्लिप्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जिसके एंड में आपको समझेगा कि हु इज चिंच पोकली या चिंतामणि। सो जैसे मैंने बताया कि 2 साल का गैप था, 2020 और 21, और 2 साल के गैप के बाद चिंच पोकली या चिंतामणि का आगमन हो रहा था पूरे सेम यू नो एक्साइटमेंट और उसी ग्रैंड स्केल पर। तो काफ़ी एक्साइटमेंट था, और मैं नहीं होता वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं था। तो हाँ, मैं भी वहाँ पर गया था। ऑफकोर्स वो व्लॉगिंग वाला पूरा नहीं हो पाया, बट कुछ क्लिप्स हैं मैंने भी शूट किए हैं। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी बिकॉज मैं फ़ोन ही लेकर गया था, और यार पापा दूर थे तो जूम करना पड़ा था, तो क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है यार, देख लेना। बट वाइब 100% है, वो मैं वीडियो के एंड में ना वो क्लिप्स लगा दूँ। यार गणेश चतुर्थी से ना काफ़ी ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं। मतलब मुझे आप लोग का नहीं पता, बट मैं अभी 3-4 साल पहले तक ये हाल था कि मेरे घर पर भी पापा आते थे, और जब जब पापा का विसर्जन होता था तो मैं एकदम ना रोने जैसा मुंह होता था। मतलब रोने जैसा क्या, मैं रोता भी था कोने में जाकर ताकि कोई और देखे ना। और फिर जब आखिरी दिन होता था 11 दिन के पापा का विसर्जन का, फिर पता है क्या, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको पता है कि ना रोड के किनारे आपको पंडाल दिख ही जाएंगे बहुत सारे, और जब आप विसर्जन के दिन लौट रहे हो रात को, तब आप देखते हो कि ये सारे पंडाल खाली हैं, लाइट है, मतलब सब कुछ है, बट बापा नहीं है अंदर, और आप एकदम आप रोते हो यार, मतलब लिटरली आप रोते हो। ठीक है, मैं रोता आज भी हूँ, ऐसा नहीं कि दुख आज नहीं होता, बट ठीक है, आज मुझे ये पता है कि पापा वापस नहीं जाएंगे, नहीं तो वापस आएंगे कैसे। तो या ये छोटी सी कहानी है यार, इसका इस वीडियो से कुछ मतलब था नहीं, बट ऐसा लगा कि शेयर कर देते हैं। इसके बाद अब मैं जाऊंगा और वीडियोस पे काम करूंगा, बट एक सजेशन आपसे भी चाहिए। इन केस आपके पास ऐसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं या फिर कुछ ब्रॉड टॉपिक्स हैं जिस पे आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो व्हाई नॉट यू जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। बिकॉज यार ऑफकोर्स मैं तो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आप जिनको सच में वीडियो देखना है, अगर वही अपने सजेशन दे रहे हैं, तो व्हाट बेटर देन दैट। तो हाँ यार, कर दो कमेंट अगर कुछ है आइडिया तो। ठीक है, अब मैं फिर से टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अब मैं पक्का जाऊँगा और वीडियोस बनाऊँगा। आप क्लिप्स एन्जॉय करो, आपको इस वीडियो में दिखेंगे चिंच पोकली या चिंतामणि के आगमन की कुछ क्लिप्स, और कुछ क्लिप्स जो मैं लोकल जहाँ पर रहता हूँ वहाँ के भी कुछ पापा हैं जिनका आगमन हो रहा था, और मैंने कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए हैं। तो हाँ, आप लोग वो देखो, अब मैं जा रहा हूँ पक्का। बाय बाय, एंड वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ओके। Oh
गाइस, दिस इज वंदे मातरम जी।